नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के स्टूडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप IRCTC रेल कनेक्ट में काफ़ी कुछ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में जो लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अदर परफॉर्मेंस का में दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। कंडीशनर फॉर ऑटो ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है, बुक ओनली इफ़ कॉन्फर्मेशन बर्थ आर इलेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है। और ये फिर यहाँ पे देखेंगे कि रिजर्वेशन च्वाइस पे आप जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर पर प्रीफ्रेड कोच नंबर, और यहाँ पे नीचे में आप देख रहे होंगे रिजर्वेशन च्वाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन का मतलब क्या होते हैं, जो चार पांच ऑप्शन आपने देखे इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है टिकट बुकिंग करने समय। अगर ये जानकारी आपको है तो आपको काफ़ी यूजफुल साबित होगा। जब आप टिकट को बुकिंग करेंगे तो आपको जानकारी रहेगा, सारा प्रॉपर जानकारी, तो आपको टिकट बुकिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। और इसका आप जो सारे सर्विस हैं उसका आप लाभ ले सकते हैं जब जानकारी रहेगा तब। तो इस वीडियो में हमको सारा जो आपको जो मैं बताया अभी सारे ऑप्शन में क्या क्या करने से क्या होता है सबके बारे में एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर पहले बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की नया जानकारी सबसे पहले मिले। और जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। कुछ भी सवाल हो तो कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप ट्रेन सर्च करके अपना डेट सर्च करके जब आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि काफ़ी कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो फिलहाल एक आपको एक एक करके मैं बैक से आपको लेकर आता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं फिलहाल लॉगिन में कर चुका हूँ अपना प्लान में जर्नी पर। मैं क्लिक किया रांची से गढ़वा रोड जंक्शन के अपना स्टेशन है वहाँ तक मैं मुझे जाना है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर डेट मैं कोई सिलेक्ट कर ले रहा हूँ 31। यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैं डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर ट्रेन सारा आ गए तो यहाँ पर एक ट्रेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रांची BSV एक्सप्रेस, इसे मैं क्लिक किया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीट खाली है तो यहाँ पे मैं 1 जनवरी को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। गो टू पैसेंजर डिटेल पर मैं क्लिक किया। इसके बाद ये देख रहे होंगे कि सारा ऑप्शन यहाँ पे जो आ जाता है पैसेंजर ऐड करने के टाइम पे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सारे ऑप्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक हमारा सब्सक्राइबर हमसे कई बार उन्होंने बोला, लेकिन फिलहाल मैं बिजी था इसलिए थोड़ा लेट से उनको जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो ऑप्शन जो है फिलहाल इसके बारे में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है कंडीशनर फॉर ऑटो ऑपरेशन, अगर जिसमें आप टिक मार्क लगा करके टिकट को आप बुकिंग करते हैं तो आपका जो है वो अगर स्लीपर में अगर जो टिकट को बुकिंग कर रहे हैं तो आपका AC में अगर जो सीट खाली रह जाता है तो आपका AC में सीट मिल जाएगा, वही पैसा में आपको AC में भी मिल सकता है। इसका मतलब यही बात। आप स्लीपर में फॉर एग्जांपल फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपका स्लीपर में अगर सीट फिलहाल अभी बुकिंग हो गया है और AC का सीट खाली है तो आपको AC में शिफ्ट कर दिया जा सकता है सीट खाली रहने पे, इसमें अगर जो टिक मार्क लगा करके बुकिंग करेंगे तो। और दूसरा जो बॉक्स है यहाँ पर देख रहे होंगे बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ इलेक्टेड, यानी इसमें आपको इस टिक मार्क लगा करके बुकिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्फर्म सीट रहेगा तभी आपका बुकिंग होगा। कन्फर्म टिकट ही बुकिंग हुआ, नहीं तो नहीं बुकिंग हुआ, इसका मतलब ये हुआ। हालांकि ये दो चीज़ को लेकर के मेरे से सवाल कर रहे थे। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक कोच नंबर डालने का यहाँ पे ऑप्शन आता है इंटर परफॉर्मेंस कोच नंबर इसका। और यहाँ पर भी आपको रिजर्वेशन च्वाइस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे यार मेरा टच स्लो है तो यहाँ पर मैं टाइप किया। यहाँ पर और तीन ऑप्शन आते जाते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर इलेक्टेड इन सेम कोच। यहाँ पर देख रहे होंगे कि और जितना भी सीट है उसमें अगर क्लिक करेंगे तो सेम आपको कोच में मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे बुक ओनली दो नंबर पे बुक ओनली इफ़ एलर्ट्स ए लोअर बर्थ इज इलेक्टेड, तो इसमें अगर इस पर आप क्लिक करके अगर जो करते हैं फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे देख रहे होंगे इसको मैं सेलेक्ट किया था यहाँ पर आ गया। अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि अच्छे से सेलेक्ट हो जाना चाहिए नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे इस पर मैं सेलेक्ट किया बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट एक लोअर बर्थ इज अलॉटेड, तो इसमें आपको हो गया क्या कि जब आप दो आदमी हैं तो कम से कम आपको एक सीट नीचे के मिलना चाहिए आप चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल के अप्लाई कर सकते हैं।
एक और आप चाहते हैं कि दो से दो चार आदमी हैं आपके साथ में, तो आप चाहते हैं कि कम से कम दो लोअर बर्थ सीट चाहिए, तो आप नीचे में सबसे क्लिक करेंगे बुक ओनली इफ़ दो लोअर बर्थ आर इलेक्टेड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कम से कम आपको दो सीट आपको मिल लेगा, इसका आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो GST का है, GST नंबर कोई डालना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो आप इसे नहीं डालेंगे फिलहाल। तो सारे आपका बस यही कुछ है, तो फिलहाल आपको मैं बताया गया था यही है। और यहाँ पे हाँ, एक और कोच नंबर के बारे में मैं नहीं बताया आपको, यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंटर कोच नंबर, तो यहाँ पे देख रहा हूँ इसका मतलब इसमें आपको होता है क्या कि कई बार आपका दोस्त लोग आपका रिश्तेदार लोग कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं और लोग टिकट ले चुके होते हैं, तो आप भी चाहते हैं कि मुझे भी उन्हीं लोग के कोच में उन्हीं लोग के डब्बा में मुझे भी सीट मिल जाए, तो यहाँ पे डालने का मतलब कि ऑप्शन देता है कि सीट खाली रहे तो आपको मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा दोस्त है कहीं जा रहा है और वो टिकट ले चुका है, मुझे जाने का प्लानिंग नहीं था लेकिन मैं भी साथ में उसको देख करके टिकट लेने के बाद मुझे भी मन कर रहा है जाने को, तो मैं भी उन लोग को S5 में फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोग को सीट मिल चुका है, तो हम भी यहाँ पर डाल करके S लिख करके और यहाँ पर S5 यहाँ पर लिख करके हम यहाँ अपना कोच नंबर डाल सकता हूँ, च्वाइस कर सकता हूँ कोच नंबर, सीट अगर जो खाली रहता है तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी सारे ऑप्शन को यहाँ पे रिजर्वेशन च्वाइस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके मैंने दिखा ही दिया, तो इस तरह से आप सारे ऑप्शन को आप बेनिफिट आप ले सकते हैं जानकारी रहेगा तो। और इसमें लेकर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कुछ IRCTC से रेलवे संबंधित कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई सवाल हो तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको हेल्प कर सकें, ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को डिसलाइक करेंगे और कमेंट में गलत कुछ करेंगे तो उससे आपका कुछ हल नहीं होगा। अगर आप जानकारी देने का मकसद से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को हमें कमेंट करें, या व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, हम उस पर आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदमी शुभ हो, थैंक यू।